Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. I hope you all are doing well. So अभी भाई रात के बज रहे हैं 3:30, मतलब सुबह के 3:30 देख लो, ठीक है? अब घड़ी से कहोगे भाई क्या हो सकता है, लेकिन हाँ सुबह के बज रहे 3:30 और मेरे साथ देखो हमारे कज़न अंकुर आ चुके हैं, हमारा गिटार प्यार आ चुका है, पुपा जी आ चुके हैं और त्रिवेदी जी आ चुके हैं, ये देखो दूसरा कज़न अनुभव और ये पंडित, ये हमारे साथ बस सामान ठन जा रहा है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि हम लोग क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग का प्लान है अभी निकलने का ऋषिकेश, मतलब आधे घंटे में हम लोग निकलेंगे बाय रोड बाय कार, अपन लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग की फर्स्ट ट्रिप होने वाली इनके साथ, इन लोग साथ पहली ट्रिप है अपनी, तो लेट्स सी कैसी जाती है और भाई जो भी मस्ती होगी जो का सीन होगा ना सब दिखाएंगे। तो गाइस निकलने से पहले देखो चाय आ गई, इसने बना दी चाय, ये लाल लाल है पूरा ठेला लाल। तो भाई अभी चाय पी लेते फिर यहाँ से निकलते हैं और मैं नहा धो के फिर से रेडी हूँ। हाँ फिर भाई कपड़ा पहन लिया क्योंकि भाई देख ही जाना है क्या दिक्कत है। उधर देखो जरा ये क्या हो रहा है, मैं पैक कर रहा हूं ना, काउंट कर रहा भाई। अच्छा काउंट करो। हाँ ये सब भाई ट्रिप का सीन है। ए कुरकुरे किससे पूछ के ले रहे हो? तो गाइज ये अपने ट्रिप का ऋषिकेश पहुँचने तक का स्टफ है, इसमें ऑलरेडी और स्टफ्स हैं भाई। दो गाड़ियों में जाना है तो दो गाड़ियों में के हिसाब से निकालो। तो कुरकुरे लेना, हम कुरकुरे खाते हैं। तो भाई बस ऑलमोस्ट निकलने का टाइम हो रहा है, निकलते हैं यहाँ से और फिर हम आते हैं। भूख लगी है तो पहले कुछ खाएंगे, कुछ खाने के नाम पर बस चाय पियेंगे और बन मक्खन ढूंढ सकते। चलो गाइस चल चुके हैं अब, लेट्स गो, चला जाए, जय जय श्री राम। सो गाइस थोड़ा सा बन मक्खन के लिए रुके हैं। गाइस अभी हम लोग लखनऊ से नहीं निकले, पहला स्टॉप ऑलरेडी आ चुका है, घर से निकले, बस घर से निकले। तो गाइस चाय वगैरह हो गई, बन मक्खन खा लिया, वैसे मैंने मलाई मक्खन खाया, मलाई बन बन मलाई, हाँ बन मलाई खाया। तो अब भाई अब कहीं नहीं रुकना है, पहला स्टॉप है लखनऊ में ही था, वो भी 1 किलोमीटर के अंडर में। अब डायरेक्ट 300-400 किलोमीटर बाहर रुकते हैं, हो सकता है ऋषिकेश मिले। हे बोले ले दे जय श्री राम, जय श्री राम। बेसिकली अभी ब्रेक के लिए रुके हैं, अभी ब्रेक में थोड़ा इतनी गर्मी हो रही है ना और आधा ट्रैवल हो गया, बस आधा और करना है ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और टाइम हो गया भाई 10 बज रही है, समझ लो 10 बजने में 20 मिनट है, ठीक है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सही है। इस बार ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं क्योंकि भाई ड्राइव मैं कर रहा हूँ और सब सो रहे हैं और उसमें मैं क्या ब्लॉग करूँ, यहाँ सब आलू पराठा मंगवाए, ये बंदा इकलौता मैगी खा रहा है। आई एम वन ऑफ काइंड। तो ये पराठा आया मेरा पराठा, ये क्या था पराठा आया, तूफान मचा गया। यहाँ से निकल रहे हैं, गाइस यहाँ से निकल रहे हैं जा रहे घर, सॉरी ऋषिकेश। तो हम लोग कहाँ निकल रहे हैं गाइस? घर घर खाना पीना हो गया, हमारा गाड़ी चलाते हुए भैया टेस्ट हो गई है थोड़ी सी। तो भाई अब निकल रहे हैं, बल्ला निकालने वाला था बस मैं छोड़ दिया हूँ, मैंने छोड़ दिया यात्रा। क्यों छोड़ा आपने? भाई मुझे श्री राम ने बोला, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रहा था, बहुत गंदा मार रहा था। अभी स्कॉर्पियो वाला हम लोग के पीछे आ गया था तो उसकी बात हो रही है। फिलहाल तो यहाँ से सीन खत्म है, नाश्ता पानी हो गया यार, अब डायरेक्ट निकल रहे हैं। अब देखो 350 किलोमीटर और बाकी है, लेट्स सी कहाँ रुकते हैं। एयर पे हार्ड लंच, यस ऑलमोस्ट आधा रास्ता खत्म हो गया है भाई, मैं सो जाग के पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो अभी मैंने चेक किया तो पता चल रहा है 150 किलोमीटर बाकी है और अभी भी 3 घंटा या 2 घंटा लगेगा। नेक्स्ट स्टॉपेज आया है और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे भाई खाना खाने के लिए रुके हैं, सब खाना खा रहे हैं, हाथ धो गए थे, ये बैठा हुआ है बगल में,
सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। सो भाई ऋषिकेश ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सब सफर खत्म होने वाला है। और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गए हैं 5:30। अभी आधे घंटे लगेंगे, 6 बजे तक पहुंचेंगे ऋषिकेश। अभी ये सफर चल रहा है भाई, देख लो बगल में पहाड़ जरा इस पेड़ के पीछे हैं, छुपे हैं जस्ट जैसे व्लॉगर स्टार्ट किया। और अभी त्रिवेदी जी ड्राइव कर रहे थे भाई, बहुत कठिन है पहाड़ों की, लेकिन मजा आता है। मजा आया। और ये मजा आप किसको देना चाहते हो? पंडित, वो जो मेरे दिल में ऑलवेज माउंटेन्स आई लव। हाँ गाइस, वो देखो पहाड़। तो अभी भाई यही सीन है, बाकी खाना पीना सब डन है। अब भाई हाँ व्लॉग में ज्यादा मस्ती नहीं हुई क्योंकि बंदे कोई टिकी नहीं रहे थे एक जहाँ। अरे वो मोटा सो रहा है सुबह से। कौन मोटा? सुबह से सो रहा है यार। नहीं है उसका नाम फूफा जी। फूफा जी सुबह से सो रहे हैं। गाइस आप लोग पूछ रहे हो, अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लो, हम लोग फूफा जी क्यों बुलाते हैं उनको? हरकतें देखिएगा आप आगे वाले ब्लॉग्स में भाई। पता है अभी हम लोग जब खाने के लिए रुके थे वहाँ पे बंदा 200 रुपए की दाल, 300 रुपए की क्या पनीर। नहीं, कभी अगर आप किसी बड़े के साथ आए हो तो आप ये सोचोगे ना कि जो हम जैसे बड़े हैं उनको मेन्यू दे, फिर वो जिस हिसाब से बताएंगे ऑर्डर करेंगे। भाई साहब मेन्यू छीन रहे, उनको खुद देखना है। फूफा जी पूरे फूफा जी फूफा जी शादी में नहीं होते बच्चों को मंगाते, 10 रुपए का नोट कहते हैं कि रसगुल्ले में गुल्ला नहीं था। रसगुल्ले में गुल्ला नहीं था। दुल्हन की शादी की जो साड़ी थी भारी नहीं थी। इस ट्रैफिक देखो, ये ऋषिकेश का ट्रैफिक स्टार्ट। ये है भाई रश। ये रश लोग क्यों मना कर रहे हैं वैसे? ये देखो हम लोगों को मोटू मिला, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। मोटू मोटू इसका नाम मोटू है भाई, मेरे को सूंघ रहा है, चाट रहा है।